हेलो एवरीवन आई होप एवरीवन इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन वेलकम टू दि वन शॉट सीरीज हाँ तो आई एम रियली यू आर लविंग दिस सीरीज यार एक रिक्वेस्ट थी कि यार इफ़ यू आर लविंग दिस सीरीज मेक श्योर यू आर शेयरिंग इट एवरी वेयर सब्सक्राइब और भाई लाइक करने में कोई कंजूसी होनी नहीं चाहिए ठीक है तो चलो शुरू करते हैं वीडियो एकदम से बढ़िया से पढ़ो एक तम आग लगाते हैं बढ़िया से सो वी गो हे एवरी वन वेलकम टू दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ मियोसिस यानी कि फंडास ऑफ मियोसिस क्यों हो रहा है मिओटिक डिवीजन ऐसा क्या है जो मियोसिस को माइटोसिस से अलग बनाता है एक शॉर्ट वीडियो में समझ रहे हो एक शॉर्ट मतलब एक बार में समझ रहे हैं ठीक है गोले मैंने पहले से बना रखे तो गोले बनाने में तुम्हारा समय वेस्ट नहीं होगा तो हम पहले से मैं कंडेंस फॉर्मेट में डी एन ए रेप्लीकेटेड वर्जन तुम्हारे सामने रख दे रहा हूँ ये तुम्हारे पास होमोलोग क्रोमोजोम्स लगे हुए हैं ठीक है अब यार ओवरऑल कहानी है कि शुरुआत में ऐसे नहीं दिखे सो तो लेट्स ले, ले मेक देम किच किच किच

अब देखोगे ध्यान से कि इसके बाहर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर ऐसे 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 लगी हुई है अब होगा क्या कि म्यूसिस का जो मेन फंडा है कि यहाँ पर वेरिएशन आते हैं यहाँ पर चेंजेस आते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफाइन करते हैं ना कि वेरिएशन आता है अब क्या होने वाला है ध्यान से देखना होमोलोगस क्रोमोजोम विद नॉन नॉन सिस्टर करीब आएंगे ठीक है पास आएंगे तो प्यार बढ़ेगा इनके बीच ध्यान से देखो क्या होने वाला है ध्यान से देखना ये दोनों जो है इस तरह से पास आ गए ठीक है ये होमोलोगस क्रोमोजोम हैं इनका हमने करा दिया पेयरिंग अप ये जो फिनोमिना है ये हमको देखने को नहीं मिलता कहाँ पर माइटोसिस में तो कौन अप हुए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ही लेकिन उनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का कॉन्सेप्ट जानने के लिए पिछले वीडियोस में जाओ एक वीडियो है बहन क्रोमेटिड्स नामक ठीक है उस वीडियो को जरूर देखें वहां आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ क्या है ठीक अच्छा तो होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पास है अब ये पास क्यों आए क्योंकि इनको जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करना है तो ये कुछ इस तरह से अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर ये एक्सचेंज कर लेते हैं मैं आप बना के भी दिखा दे रहा हूँ ये रहा मेरे पास और ये दूसरा वाला आ गया मेरे पास बहुत बढ़िया क्या बात है अब मैं इसको दूसरे कलर से मान लेते हैं इसको कलर रेशन चॉइस में बड़ा दिक्कत है यार ठीक है ग्रीन कलर यहाँ मटेरियल जो है एक्सचेंज एक्सचेंज ने कर लिया ठीक है बड़ा सिंपल सी बात तो अब इससे कुछ कुछ नए कॉम्बिनेशनस बन गए इसके बाद ये जो पास आए हैं अब दूरियाँ भी तो बढ़नी पड़ेंगी कि आखिरकार इनको डिवाइड करना है काफ़ी लेम हो रहा है नो बट इट्स ओके तो मैं न्यूक्लियर मेमरियन यहाँ पर बना रखा हूँ अब इनको करते हैं अलग तो अब ये हो रहे हैं अलग बिल्कुल से अब ध्यान से देखो ये अलग होते हुए दो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना था इसको अलग किया और इसके बाद ध्यान से देखना जब ये अलग हो रहे हैं तो इन पर्टिकुलर यहाँ पर एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर निकल करके आ रहा है ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को ही प्यार से जो तुम कयाजमा बोलते हो ये वही तो चीज़ है यार ये रहा तुम्हारा कयाजमा ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर इसके बाद क्या होता है और ध्यान से समझो इसके बाद आखिरी फेज़ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिजोल्यूशन हो जाता है और ये मेरे पास दो सेपरेट हो जाते हैं स्ट्रेंड्स कुछ इस तरह से ये देखो बड़े ध्यान से ये सेपरेट हो गए ठीक है सेपरेट होने के बाद ऑब्वियस सी बात है क्रॉसिंग ओवर भी यहां पर मैंने मेंशन कर दिया जहां पर एक्सचेंज हुआ तो ये है एकदम फंडामेंटल तो ये जो इतना लंबा कहानी बताया ना यार ये सारा प्रोसेस नहीं है ये सिर्फ प्रोफेज है इसको अगर मैं कहूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रो फेज है तुम्हारे मियोसिस का अब फेज इसको समझते हैं सबसे पहला फेज जो हमारे सामने हमने देखा इसको हम बहुत प्यार से कहते हैं लेप्टोटीन लेप्टोटीन में क्या होता है कंडेंसेशन ठीक है उसके बाद होता है हमारे पास जाइगोटीन जाइगो मतलब फ्यूजन साथ आए मुस्कुराए तो ये नॉन सिस्टर सिस्टरक्रोमेटिड होमोलोगस क्रोमोजोम आते हैं साथ अगर मैं इस स्ट्रक्चर का जूमड इन वर्जन देखूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखता है ध्यान से देखना अगर इसमें ये ये बड़ा ऊटपटांग सा स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है ये कभी कभी क्या होता है ना ये जो डार, ये मतलब पिकासो जो है आ रहा होता है फिर बोलता है अरे यार रोज रोज तो आते रहते हैं ऐसे कैसे हो जाएगा काम अब ये देखो ध्यान से हाँ ये बना हमारे पास अब इसको ध्यान से देखो तो इसमें ये दो सेंट्रोमियर हैं ठीक है, है? यहां पर चार क्रोमेटिड्स हैं और दो क्रोमोजोम हैं तो इस स्ट्रक्चर को प्यार से कहते हैं बाईवेलेंट या तो इसको प्यार से कहते हैं टेट्राड स्ट्रक्चर क्या कहने बाईवेलेंट या टेट्राड जिसमें दो सेंट्रोमियर है क्रोमेटिड्स हैं, दो तो तो इसको हमने कहते हैं टेट्राड, प्यार से कॉम्प्लेक्स। तो अगर कभी पूछे क्रोमोजो कॉम्प्लेक्स आखिरकार बनता है कब तो वो बनता है तुम्हारा जाइगोटीन के अंदर जब तुम इससे आगे बढ़ोगे तो अगला जो फेज हमने देखा वो देखा हमने क्रॉसिंग ओवर या एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इस वाले फेज को प्यार से नाम दिया गया है पैकिटीन ये मैंने खतरनाक गलत स्पेलिंग लिखी है ऐसा कभी कभी हो जाता है हाँ तो ये है तुम्हारे पास पैकीटीन स्टेज ठीक है इसमें मेन कहानी क्या हुई रिकॉम्बिनेशन ये समझ लो क्रॉसिंग ओवर में लिख लेता हूं तो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है इसमें एक एंजाइम लगता है क्योंकि यार एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल तो कराना है नए नए कॉम्बिनेशन बनाने हैं रिकॉम्बिनेशन करना है तो जो एंजाइम लगता है उसका नाम है रिकॉम्बिनेज ठीक है ये मिला के पढ़ लेना यहाँ रिकॉम्बिनेज लगा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हुआ अब उसके बाद ये जो तुम पास आए मुस्कुराए वाला गाना बज रहा था बैकग्राउंड में अब ये अलग अलग हुए ध्यान से देखना दे आर गेटिंग अलग कौन अलग हो रहा है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स सर ये क्या है अरे यही बाइवेलेंट ये जो सिनेप्स बना है इस स्ट्रक्चर का नाम सिनेप्स भी है तो ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है अब ये अलग होना शुरू हुआ लेकिन ये वहां पर अलग नहीं हुआ जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ और यहाँ पर एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स अपेयर हुए इन स्ट्रक्चर्स को प्यार से कहते हैं क्याजमा तो अगर कोई पूछे कि वेंडर्स तो इस वाले फेज में जिसका नाम है तुम्हारा डिप्लोटीन ठीक है उसके बाद आखिर में कयाज्मा भीट खुल जाता है और अलग हो जाते हैं लास्ट फेज में जिसको हम कहते हैं डायाकाइनेसिस तो डायकाइनेसिस में ये सेपरेट हो गई एकदम से और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई एक और खास बात कि डिप्लोटीन में हमारे पास टर्मिनलाइजेशन ऑफ या तो डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड अपियरेंस ऑफ क्याजमा है डायकनेसिस में तुम्हारा टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमा है तो यार ये है पूरा का पूरा प्रोसेस मियोसिस के प्रोफेस का जो डिफ, जो डिफ्रेंशिएट करता है माइटोसिस और मियोसिस के प्रोफेस को है ना तो ये समझ गए यहाँ पर इतना सब कुछ हुआ माइटोसिस म्योसिस में एक फंडामेंटल डिफरेंस और है बड़े ध्यान से समझना मतलब इसमें एक्चुअली ये तो प्रोफेज वन है ना तुम्हारा प्रोफेज़ वन का प्रोफेज़ वन के फेजेज हो गए इसके आना फेज में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिस्टिंग हाँ तो यार इसी वीडियो में एक और छोटे से डिस्टिंक्शन को समझ लेते हैं कि यार इनके आना फेज में क्या फर्क होता है पहले मेटाफेज को बड़े ध्यान से देखो गोले मैंने पहले ही बना रखे तुमको अल्टीमेट क्लैरिटी देने के लिए तो ध्यान से देखना इस चीज़ को कि यहाँ पर ये तुम्हारे पास मेटाफेज़ वन है और ये तुम्हारे पास मेटाफेज़ ऑफ माइटोसिस है ठीक है ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर किस तरह से डबल इक्वेटोरियल प्लेटफॉर्म और यहाँ पर सिंगल मेरा मतलब कि किस तरह से यहाँ पर दो प्लेन्स में चीज़ों को अरेंज किया गया है और यहाँ पर सिंगल प्लेन में सबको अरेंज किया गया बड़ा इंटरेस्टिंग एक मैकेनिज्म है ठीक है अच्छा एक और चीज़ देखोगे तो मेटाफेज हुआ अब हम आते हैं एनाफेज़ पर जहाँ पर असली डिस्टिक्शन समझ आता है कि एनाफेज़ वन ऑफ मियोसिस वन और एनाफेज़ ऑफ माइटोसिस को कंपेयर अगर हम कर रहे हैं तो ध्यान से देखना ये दोनों में डिस्टिंगशन क्या हो रहा है ये एक होमोलॉगस क्रोमोजोम है एक होमोलोगस क्रोमोजोम है यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट हो रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट हो रहे हैं लेकिन अगर यहाँ देखोगे तो ये जो थे ना पहले ये पहले साथ साथ हुआ करते थे ये दो बहनें साथ साथ थी अब ये सेपरेट हो गए हैं और इसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन हो रहा है ध्यान देना ये बहुत मेजर फर्क है एनाफेज ऑफ मियोसिस और माइटोसिस के एनाफेज में ऑफ मियोसिस कैनाफेस में होमोलोग सेपरेट कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिट सेपरेट कर रही हैं अब ऑब्वियसली सिस्टर क्रोमेटिट अगर सेपरेट कर रही है इसका मतलब कि सेंट्रोमियर स्प्लिट कर रहा है इस पर्टिकुलर सिनारियो में यानी कि यहां पर देखोगे तो हुआ क्या बड़ा सिंपल अगर तुम देखना चाहते हो एक सिंपल अगर मैं बिना सेल को बना करके दिखाऊं और ये मेरे पास दो सिनारियोज़ हैं अगर मैं इनका सेपरेशन करता हूँ तो एक इधर चला गया और एक इधर चला गया अगर मैं इस केस के सिनेरियो को देखूंगा तो इनमें एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा यानी कि यहाँ पर जो ये जुड़े हुए थे ना ये सेपरेट हो गया एक को पकड़ के इधर खींच लिया एक को पकड़ के इधर खींच लिया ये पहले कुछ इस तरह से जब ये पास में थे तो ये पहले कुछ इस तरह से जुड़े हुआ करते थे अब इनको ऐसे अलग अलग कर दिया गया है यानी कि यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन ये एक मेजर डिस्टिंगशन है एक और फ़र्क निकल करके आता है ठीक है जब मैं प्रोडक्ट्स को ऑब्जर्व करूंगा माइटोसिस और मियोसिस के अगर मैं मियोसिस वन के अगर मैं ये पेरेंट सेल बना रहा हूँ और मेरे पास यहाँ पर दो डॉटर सेल्स हैं ठीक है मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ ये मेरे पास पेरेंट सेल है मान लो ठीक है और ये मेरे पास डॉटर सेल है ये मेरे पास माइटोसिस का डॉटर सेल है ठीक है और ये मेरे पास मियोसिस वन का डॉटर सेल है अगर इसी को बड़े ध्यान से देखोगे तो माइटोसिस का डॉटर सेल सेम सेम दिखेगा पैरेंटल सेल के लेकिन मियोसिस का डॉटर सेल दो बनेंगे और दोनों में कुछ ऐसा होगा ध्यान से देखोगे तो अगर ये डिप्लॉइड है और यहाँ पर मान लेते फोर्टी पीकोग्राम का कॉन्टेंट है एक दो तीन चार हर का दस ठीक है तो यहाँ पर भी डिप्लॉयड है और फोर्टी पीकोग्राम का कॉन्टेंट है आइडेंटिकल यहाँ देखोगे तो यहाँ एक है ये एक है तो यहाँ पर टू एन नहीं होगा ये हैप्लॉयड आ जाएगा और साथ ही साथ कंटेंट देखोगे तो एक दो तीन चार चार क्रोमेटिड्स हैं तो फोर्टी पिकोग्राम का कंटेंट है ध्यान रखना इसीलिए मियोसिस वन का प्रोडक्ट हैप्लॉइड होता है और हैप्लॉयड होने के साथ साथ इसमें बस एक प्रॉब्लम है कि सिस्टर क्रोमेटिड साथ में जुड़े हुए हैं इसीलिए मियोसिस टू नामक प्रोसेस होता है जो इन सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट करके देगा ये है वन शॉट में पूरी कहानी है क्विक रिकैप के लिए यह कहानी है पूरा डिटेल्ड वीडियोस तो मैं लगाऊंगा ये वन शॉट वीडियोस है जो तुमको एक बार में सारी कहानी बता करके देते हैं सो डैट्स ऑल अबाउट मियोसिस फंडाज इन वन शॉट और उसके बाद दूसरी बात मैं बता दूँ कि वी आर स्टार्टिंग विद दिस सुपर अमेजिंग थिंग कॉल्ड एज प्रोजेक्ट क्लाइमैक्स जिसमें हम बायोलॉजी के सारे हाई यील्ड पॉइंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके साथ साथ वन पेज नोट्स दोबारा बनाने जा रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा अन अकेडमी ऐप पर जाओगे मेरे को खोजना बहुत आसान है सबसे पहले भाई का इनाम मिलेगा उसके बाद मेरे प्रोफाइल पर जाओगे तो स्पेशल क्लासेस में जाना इसमें शो नहीं हो रहा मगर मेरे प्रोफाइल पर जाओगे तो एक तुमको मिलेगा द लॉन्च प्रोजेक्ट क्लाइमेक्स नौ तारीख को शाम को पाँच बजे लॉन्च है और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री भी इसमें फ्री लाइव क्लासेस में कवर किए जाएंगे फ्री लाइव क्लासेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर ये ठीक है अगर तुम अनकेडमी के बारे में नहीं जानते तुरंत से अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो वहां पर जब भी तुम जाओगे तो अगर तुम किसी भी क्लास को ज्वाइन करते हो इसी चैनल पर डिटेल्ड वीडियो भी डाल रखा है कि हाउ यू कैन ज्वाइन डैट उस वीडियो को भी जरूर से चेक करना और जब भी एनरोलमेंट कोड मांगे तो याद से ये चिपका देना बाकी मिलते हैं अगले वन शॉट वीडियो में स्टे ट्यून टाटा बाय बाय और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ यूर लविंग द वीडियोज और नॉट उसके साथ साथ मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स इफ यूर लविंग द दीडियोज ठीक है टाटा बाय बाय ख्याल रखो अपना प्रणव लाइव कभी भी ज्वाइन करना अगर एन अकेडमी पर जाकर के फ्री सेशन को तो ये एनरोलमेंट कोड डाल लेना ठीक है चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बहुत जल्द